पहले मेरे बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे थे ना कोई चमक ना कोई दमक ना कोई शाइन बिल्कुल सॉफ्ट नहीं झाड़ू बिल्कुल <laughs> लेकिन जब से मैंने जयसुपोर का कैरेटिन ट्रीटमेंट लिया तब से मेरे बाल जो हैं वो इतने सॉफ्ट शाइनी आगे वीडियो में दिखाऊंगी और सबसे बढ़िया बात बताऊँ पैसे कितने का आता है जयसुप कौर का कैरेटिन ट्रीटमेंट मुफ्त 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 तो बने है इस वीडियो में। Hi guys, welcome back to my channel, Spook, और दोस्तों कैसे हैं दोस्तों कैसे आप लोग? वैसे तो मुझे मेरे सारे ही बहुत अमेजिंग लगते हैं। हैं सबसे ज्यादा like, कुछ ऐसे हैं जिन पर मैं बहुत ही प्राउड uh, फील you know, करती हूँ बहुत बहुत फक्र फील करती तो वन ऑफ द डी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत तो सारे लोगों ने पूछा स्मूदनिंग स्मूदिंग कैरेटिन ट्रीटमेंट स्ट्रेट थेरेपी कैरेटिन थेरेपी आजकल पार्लर्स में जाकर इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स बताते हैं जिससे हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं मैने, मैनेजेबल हो जाते हैं और बिल्कुल कहते हैं ना वो बाउंस आ जाता है बालों में ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने जब मुझे मेल करी कि वो लोग चाहते हैं कराना बट अफोर्ड नहीं कर पाते तो मुझे बहुत बुरा लगा एंड आई वाज लाइक नो फियर वेन जे सुपरकॉर इज नियर तो मुझे लगा क्यों ना मैं कुछ ऐसा कैरेटिन ट्रीटमेंट घर पर ही शेयर करूँ हालांकि मैं एक डिस्कलेम यहीं पर देना चाहूंगी कि कैरेटिन ट्रीटमेंट का मैं एक ऑल्टरनेट आप लोगों को दोस्तों घर पर करने का बता रही हूँ जिससे आपके पैसे बचेंगे अफोर्डेबल होगा ईजी होगा और फर्क बहुत पड़ेगा कि अगर आप कैरेटिन ट्रीटमेंट बाहर से कराते हैं तो आपके बाल लंबे हैं या अगर इतनी मीडियम लेंथ शॉर्ट लेंथ के भी हैं तो भी तीन हजार रुपये से स्टार्टिंग है चार पांच हजार नॉर्मली लगते हैं कैरेटिन के तो उसमें क्या होता है देखो केमिकल आपके बालों में लग रहा है केमिकल के थ्रू तो ऑफकोर्स इंस्टेंट रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे बट अगर आप नेचुरल रेमेडी आपको यूज करेंगे तो कुछ नेचुरल रेमेडीज होती हैं जो उसी वक्त जबरदस्त ग्लो देती हैं लेकिन उनको कंटिन्यूसली करना पड़ता है ऐसे ही कैरेटिन ट्रीटमेंट में आपको केमिकल जितना एकदम से इफेक्ट अगर आप बोलोगे कैरेटिन जैसा बाहर जैसा आ जाएगा तो वो नहीं होगा बट डेफिनेटली आपको आई वुड से कि अगर आपको कैरेटिन से 100 परसेंट आपको इफेक्ट दिख रहा है तो आपको इसमें कम से कम 50 टू 60 परसेंट इफेक्ट जरूर दिखेगा तो कई लोगों को 20 परसेंट थर्टी परसेंट दिख सकता है कुछ लोगों को 80 परसेंट दिख सकता है तो आपकी डाइट डिपेंड करती है आपके बालों की कंडीशन भी डिपेंड करती है तो आप कम से कम मैं सजेस्ट करूंगी वन मंथ करके देखिए बट पहले ही यू नो वॉश से से आपको बहुत बहुत फर्क दिखेगा और मेरे कैरे में मत जाओ क्योंकि मैं प्रूफ भी दिखाती हूं तो इंस्टाग्राम पे यार ये मैं आजकल रोज बोल रही हूं इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कीजिए जे सुपर डॉट कॉर और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी क्योंकि जो भी बातें मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर कहती हूँ मोस्टली मैं यहाँ पर प्रूफ लगा देती हूँ साथ में बिफोर आफ्टर आपको दिखाती हूँ बट इंस्टा स्टोरीज शेयर करती हूँ जहां पर लाइव आपको दिखाती हूँ कि हाँ मैंने ये चीज़ यूज़ करी वो चीज़ यूज़ करी ये फर्क पड़ा अभी देखिए मैंने बिना हेयर पैक के जो कैरेटीन ट्रीटमेंट है उसके बाद जो मेरे बाल नेचुरली सूखे हैं तो वो थोड़े बहुत अटके हैं हालांकि पहले मेरे जैसे बिल्कुल ही ना जैसे पहले मैं बहुत बेकार हार्श कलर्स यूज करे थे तो उससे बाल बालों के ना गुच्छे बन जाते थे ऐसे 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 गुच्छड़ मुच्छड़ बाल होते थे राइट और वो बहुत ऐसे गुच्छड़ मुच्छड़ टाइप बहुत गंदे लगते थे ठीक है बट अब मेरे बालों की कंडीशन बेटर हो रही है बिकॉज एक तो मैं अपना हेयर पैक यूज़ करती हूँ वो भी बहुत जल्दी वो वीडियो शेयर करूंगी ताकि हेयर कलर से डैमेज जो हो रहा है वो ठीक हो और दूसरा ये जो कैरेटिन हेयर ट्रीटमेंट है वो अभी शुरू करते हैं जिन लोगों को मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन डेफिनेटली स्किप द वीडियो आप आगे जाकर सीधा डायरेक्ट ट्रीटमेंट देख सकते हैं और उसके बाद मैं आपको ये रेमेडी शेयर करने के बाद आपको मैं इंस्टा स्टोरी यहाँ पर दिखाऊंगी बट आज दिखाऊंगी अदरवाइज आज ही आज ही के वीडियो में दिखाऊंगी आगे से देखना हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो नहीं आता आई डी बनाओ यार फेसबुक की तरफ बहुत ईजी है इंस्टाग्राम कुछ लोगों को लगता है ना यार इंस्टाग्राम बहुत वेल्ले चुचले हैं या बहुत हाईफाई लोग जो होते हैं जो यू you नो know, पोज वोज मारते हैं पा आउट आउट करते हैं उनके लिए नहीं यार सबके लिए आईडी बनाओ आ जाओ मेरी लाइफ में झांको और मैं आप लोगों की लाइफ में झांकूंगी एनी वे बातें बहुत सारी हो गई तो कैरेटिन है क्या बेसिकली ये जान लेते हैं क्या होता है जो हमारे नेल्स होते हैं और जो ये हमारे बाल होते हैं हेयर ये बेसिकली प्रोटीन ही होता है कैरेटिन नाम से तो इसी तरह से हम कैरेटिन जब अपने बालों को पहुंचाते हैं तो वो और ज्यादा शाइनी सॉफ्ट मैनेजेबल हो जाते हैं मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि मेरा आप जो भी फर्क देखते हैं कुछ लोगों को अगर नहीं दिखता तो इट्स ओके ना दिखे अपने बालों पर कर लो मैं कोई जबरदस्ती नहीं कह रही कि मेरी ही बात मानो आप अपने ऊपर ट्राई करके देखो और जब फर्क पड़ेगा तो नीचे आकर कमेंट जरूर करना क्योंकि मुझे सच्चे और यू नो सच्चे सब्सक्राइबर्स चाहिए मतलब मुझे सिर्फ नाम के लिए वेले नहीं चाहिए मुझे एक्चुअल सब्सक्राइबर्स चाहिए जो दिल से जेसबुक और हैश टैग जिसबुक और फैमिली का हिस्सा बनकर बहुत ही खुशी फील करते हैं कॉन्फिडेंट फील करते हैं उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मोटिवेशन और पॉजिटिविटी आती जा रही ठीक है तो अब बहुत सारा ज्ञान हो गया अभी ज्यादा बात नहीं करते लेट्स गेट विद द द एंड प्रूफ लेट वेल दोस्तों सबसे पहला इंग्रीडियंट है कोकोनट मिल्क जी हाँ नारियल का दूध ये मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर रखा है आप सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जे सुपरकॉर साथ में स्पेस डाल के लिखिए कोकोनट मिल्क तो आपको मेरा वो वीडियो मिल जाएगा जरूर जरूर देखिए नहीं तो नेस्ले का मैगी का कोकोनट मिल्क पाउडर आता है उसको थोड़े से कोसे पानी में मिलाइए नारियल का दूध बनकर तैयार है नहीं तो टिन वाला कैन वाला मिल्क भी आता है ये दोस्तों मेरा सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है ये एक्चुअली बायोटिन के कैप्सूल्स हैं बायोटिन के एक्चुअली ओरली खाने चाहिए खाना तो विटामिन ई e भी चाहिए बट उसको हम ओरली लगाते हैं तो क्यों ना हम बायोटिन भी लगाएं एंड दिस हैज़ एक्चुअली वर्कड फॉर मी तो बायोटिन बहुत आराम से मिल जाएगा किसी भी केमिस्ट ड्रग स्टोर पर मिल जाएगा ऑनलाइन ले लीजिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बाहर में दे दूंगी अदरवाइज आप केमिस्ट से जाके ले लो यार ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आई थिंक फिफ्टी सिक्सटी रुपीज़ का पत्ता था ये और बायोटिन लिक्विड में भी आता है यू नो ओरल एक uh, इसका पीने के लिए भी आता है यू कैन टेक दैट लिक्विड ओरल बायोटिन ऑल्सो और यू कैन टेक दीज और ये मैंने दस से बारह मतलब आठ नौ बायोटिन टैबलेट्स को क्रश कर लिया है ठीक है उसके बाद मैंने ये ग्लिस्टरिन ली है जी हाँ ये स्किन वाली ग्लिस्ट्रिन है ये बहुत मॉइस्चर देगी इट्स वेरी गुड हम एंड नेक्स्ट मैंने लिया है बनाना जो लोग एग्स ले सकते हैं मतलब मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि एग्स लेने चाहिए बट अगर आप एग नहीं लेते जैन है या कुछ तो आप बनाना ले लीजिए एक बनाना मैश है और मेरी सबसे बड़ी ब्लंडर ऑफ माय लाइफ ये जो बनाना मैंने शेयर किया है डाला है इसमें उसको मुझे मैश हाथ से नहीं करना चाहिए था तो मुझे मिक्सी में पीसना चाहिए था फिर और साथ में दो मैं वाइटमिन ई के कैप्स्यूल भी डाल रही हूँ आप चाहें तो एक चम्मच भर के बादाम का तेल रोगन है बादाम भी डाल सकते हैं बादाम रोगन मीठे बादाम का तेल और साथ में ये दोस्तों मैं पिक्चर लाइक वो कैप्सूल जो पंक्चर कराना वो लास्ट बचा था और वो कहीं गिर गया तो ये मैं दिखा रही हूँ ये है ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स फिश ऑयल का कैप्सूल है लिवर ऑयल इट्स अमेजिंग मैं दो तीन ऑप्शंस आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कि किसी भी केमिस्ट वाले से लेंगे तो ये आप एक से दो कैप्सूल डाल सकते हैं मेरे पास एक ही बचा था और ऑप्शनल है या तो आप वो बायोटिन डाल लीजिए या ये या दोनों डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया काम है आप यार यूज़ करके देखना फिर देखना इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए थोड़ा कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं बट कोकोनट मिल्क मैंने डाला इसलिए नहीं डाला और उसके बाद अच्छे से मिक्स करिए प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ मैं थोड़े तो को प्लीज़ बनाना नु अच्छी तरह मैश कर लेना चंगी तरह अगर आप बनाना मैश नहीं करोगे तो मेरे जो बालों में यह है थोड़ा सा अटक गया था मैं शैम्पू करते वक्त बहुत थोड़ा सा फंस गई थी तो मिक्सी में अच्छे से महीन महीन पीस ली और ये कॉड लेवर आए ऑयल मुझे ये ब्रांड ना मैंने सुनी है ना मैं इस ब्रांड को एंडोर्स किया प्रमोट कर रही हूँ इस तरह के जेल लाइक आते हैं जैसे वाइटमिन ई e के ग्रीन कैप्सूल्स आते हैं इसके गोल्डन आते हैं ये आप ले सकते हैं अब मैं आपको बिफ़ोर आफ्टर भी दिखा रही हूँ यहाँ पर आप देखेंगे मेरे बाल उतने फ्रिजी नहीं है क्योंकि मैंने अपना हेयर पैक का वीडियो ऑलरेडी शेयर कर लिया था तो हेयर पैक से बहुत फर्क पड़ता है बालों को कलर करने के बाद मेंटेन रखना पड़ता है उसका हेयर पैक मैं बहुत जल्दी आपसे हर्बल शेयर करूंगी बट फिलहाल के लिए अगर देखेंगे तो बाल फिर भी उतने सॉफ्ट नहीं है और कैरेटिन ट्रीटमेंट अभी मैं स्ट्रेटनिंग आपको बिल्कुल लुक दिखाऊंगी और ये मैं लगा रही हूँ कार्टून की तरह कॉमेडी <laughs> तो इट्स जस्ट कि कुछ लोग कहते हैं सो दैट्स वाई बट हाथ जोड़ के दोबारा विनती कर रही हूँ आई रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज़ नहीं तो मुझे गालियाँ दोगे केले को आप पीस लें और अगर केला नहीं लेना तो अब एग ले लें एग इज़ द बेस्ट फर्स्ट ऑप्शन मैं एग दूंगी सेकंड ऑप्शन है बनाना तो प्लीज़ एग को पीस लें इट्स माई मतलब मैंने ये गलती करी थी वो बिल्कुल चिपक गया था शैम्पू करने का बहुत मुश्किल से निकला था तो प्लीज़ 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 मैश अच्छे से कर लें प्योरे बना लें बिल्कुल क्रीम बना लें ठीक है और आई एम श्योर आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा ये आप देख सकते हैं शाइन मेरे बालों में स्ट्रेटनिंग इफेक्ट आया है और अब मैं इंस्टा स्टोरीज़ का आपको लालच दे रही हूँ जे सुपर डॉट कॉर मेरा इंस्टा ग्राम हैंडल है वहाँ पर आ जाओ मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मैंने शेयर किया था और कॉमेडी लग रही हूँ मैंने नो स्ट्रिप लगाई हुई है इसका भी डेमो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी तो देखना है तो भैया आ जाओ जे जयसुपर डॉट कॉर पर ओके बाय okay, दोस्तों जब बालों में शाइन आती है ना नॉर्मली तो धूप में जाना पड़ता है वो शाइन दिखाने के लिए बट अगर आप देखेंगे तो मेरी शाइन ऑलरेडी बालों में आ रही है बाल बहुत स्ट्रेट लग रहे हैं अगर आप देखें तो शाइन भी आपको आई आई होप दिख रही हो सो क्या राज है इसका शाइन का और बाल स्ट्रेट शाइनी एंड सॉफ्ट बिल्कुल यू you नो know. मतलब कलर मैंने 12 13 बार 14 15 बार करा रखा है उसके बावजूद मेरे बालों में टचवुट शाइन है बाल हेल्दी है इसकी वजह इसका यू you नो know, सीक्रेट अगर जानना चाहते हो होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड सब कुछ जो भी है यू नो द ड्रिल वो सब कर दीजिए हैशटैग टैग जिस बुक और फैमिली का हिस्सा बन जाइए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ अगैन किसी इसी तरह के डी यूजफुल डी रेमेडी एंड एवरीथिंग में और ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है यार बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स भेजिया करिए क्योंकि अब मैं क्योंकि नहीं बता रही फिर पाँच सात मिनट और जाएंगे फिर लंबा हो गया वीडियो ये हो गया वो हो गया तो मैं इतनी बातें अभी नहीं कर रही नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ तब तक के लिए बाय लव